मे भी ऐसा हो कि ये जो चेस्ट रेज हो वो ना हो रहा हो, ठीक है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर इफेक्टिव नहीं दे रहे हो, इफेक्टिव तरीके से अगर आप नहीं दे रहे हो। सेकंड ये हो सकता है कि जितना प्रेशर आप दे रहे हो वो सही ना हो, मे बी उसको इंक्रीज प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो। थर्ड ये हो सकता है कि जब आपने सक्शन किया था तो मे बी प्रॉपर तरीके से सक्शन ना होने के कारण की वजह से उसका जो एयर वे है दैट इज नॉट पेटेंट, वो आपका एयर वे ओपन नहीं है, उसमें कुछ फंसा हुआ है, ऐसे भी कुछ रीजन हो सकते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए टर्म है एम आर सोपा। टर्म क्या है? एम आर सोपा। एम आर सोपा का फुल फॉर्म होता है एम स्टैंड्स फॉर मास्क एडजस्टमेंट, ठीक है। एम स्टैंड्स फॉर मास्क एडजस्टमेंट। मास्क एडजस्टमेंट में जो आपने ये मास्क लगा के रखा है जो कि उसको नोज और माउथ को कवर करके रखा है, उसको आपको प्रॉपर तरीके से फिक्स करना है, रीपोजिशन करना है या फिर उसको एडजस्ट करना है। मे बी ऐसा हो कि जब आप दे रहे हो तो फिर ये उठा हुआ हो जिसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो रहा हो, तो आपको मास्क रीएडजस्टमेंट करना है। एम स्टैंड्स फॉर मास्क रीएडजस्टमेंट। इसमें आपको क्या करना है, मास्क रीएडजस्टमेंट करने के बाद आप उसको प्रॉपर 5 ब्रीथ्स दोगे, देन आप चेक करोगे चेस्ट रेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप 30 सेकेंड्स तक की उसको कॉन्टिन्यू रखोगे, ठीक है। देन आप अगेन वाइटल साइंस वगैरह चेक करोगे। अगर मैं देन नहीं हो रहा होगा तो नहीं हो रहा होगा, देन आई एम टेलिंग ना नेक्स्ट जो है आर, ठीक है। जो आर है वो होता है रीपोजिशनिंग द बेबी, ठीक है। रीपोजिशनिंग के लिए आप जो है, हो सकता है कि बच्चे का जो पोजिशन हो वो प्रॉपर ना हो, तो उसके लिए आप रीपोजिशन कर सकते हो बच्चे का शोल्डर पे जो है थोड़ा हाइट देकर, उसका जो है नेक हल्का सा टिल्ट करने से क्या होगा, उसका जो एयर वे होगा दैट विल बी पेटेंट एंड दैट विल बी ओपन, तो मे बी आप पोजिशन उसकी बच्चे की सही ना हो, ठीक है। देन एस स्टैंड फॉर एस स्टैंड फॉर सक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, हो सकता है उसकी प्रॉपर सक्शनिंग ना हुआ हो, उसका म्यूकस अभी भी इकट्ठा हो या जमा हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ओरल सक्शनिंग और नेजल सक्शनिंग दोबारा से करनी है। सेम आपका 5 सेंटीमीटर से डेप्थ अंदर नहीं जाना चाहिए कैथेटर का, और नेजल में आपका 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर सक्शनिंग एस एंड ओ आर क्लियर। ओ इज फॉर ओपन द माउथ एंड एस इज फॉर द सक्शनिंग, ओके। देन पी स्टैंड फॉर प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। पी स्टैंड फॉर कि आप जितना जिस प्रेशर से आप दे रहे हो वो आपको प्रेशर क्या करना है, आपको उसका प्रेशर इंक्रीज करना है, ठीक है। हो सकता है कि आप जितने प्रेशर से उसको दे रहे हो, ठीक है, वो उसके लिए इफेक्टिव ना हो। सेम चीज आपको प्रेशर इंक्रीज करना है, 5 टाइम्स ब्रेथ्स देना है, देन आपको देखना है कि चेस्ट रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है देन आपको 30 सेकेंड्स तक कॉन्टिन्यू रखना है। एंड लास्ट वन इज ए। ए स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल एयर वे। सपोज अगर बेबी एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, या फिर बेबी जो है आपका जो है प्रॉपर वाइटल साइंस उसके नहीं होते नॉर्मल, देन आपको क्या करना है कि बच्चे को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड कराना है। दैट वॉज ऑल अबाउट एम आर सोपा। अंडरस्टूड? यस मैम।